अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी जनाब, आई एम रियली 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 सॉरी, व्लॉग जो है वो मिस हो गया मुझसे इस दफ़ा। वैसे मेरी कोशिश ये होती कि डेली बेसिस पे व्लॉग्स आएँ, बट आज सॉरी मंडे संडे वाले दिन मेरा व्लॉग नहीं आ सका था, उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। और जी जनाब, अभी जो है वो आज मंडे है और हम लोग जो है वो अभी मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। आज हम सुबह सुबह जो है वो नानी सफ़िया जो मेरी आई हुई है, मतलब मेरी नानी की जो सिस्टर हैं, बेसिकली नानी ही हुई हमारी भी, उनके साथ हम अम्मी की तरफ सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि उन्होंने मिलना भी था और अम्मी को फिर हॉस्पिटल एडमिट करवाने का इरादा था क्योंकि अम्मी के जो हार्ट में पेन होती है, हार्ट वाली साइड पर, वो डॉक्टर्स का कहना कि इट्स अटैक, बट अब तक कोई जो है वो सही से इसको जो है वो समझ नहीं पाया। तो हम लोगों ने अम्मी को सोचा था हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, बट उसकी रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी क्योंकि अभी अम्मी हॉस्पिटल गई हुई हैं। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स डेंजरस या फिर वॉट एवर। तो उसके अलावा जी, अब मैं अपने रूम को क्लीन करने लगी थी एंड आई एम थिंकिंग कि अब मैं आप लोग से व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज सुबह से तो व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ। खाना पीना सब नाश्ता शाश्ता हो गया सब कुछ, अब तो दोपहर के 1:07 हो रहे हैं और अब मैं अपना रूम भी साफ़ सफाइयाँ करने लगी हूँ। बाहर मैंने वॉशिंग मशीन चला दी है, बिकॉज बाहर ही चलाई हुई आवाज़ आ रही है अंदर तक, लेकिन दरवाज़ा बंद है लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। उसके अलावा ये कि जी हम लोग जो है वो सुबह से पहले अम्मी की तरफ गए, फिर अपनी नंद की तरफ गए, खाला की तरफ गए, तो फिर जो है सैर सपाटों में सारा दिन गुजर गया। अब हम लोग घर में पहुंचे हैं, घर आते साथ गंद शंद वैसे ही ब्लैंकेट्स वगैरह हर चीज़ वैसे ही छोड़ के चले गए थे क्योंकि अम्मी लोगों ने जल्दी जाना था हॉस्पिटल, तो अम्मी लोगों को हॉस्पिटल जाने से पहले पहले हमें जो है वो अम्मी लोगों को मिलना था, तो फिर इसलिए जो है वो हम लोग हर चीज़ एज सच ही छोड़ के चले गए थे। रूम बहुत शिद्दत का गंदा हो गया है और अभी बस मैं जो हूँ इसको क्लीन करने लगी हूँ। उसके अलावा जी, जो गिफ्ट्स आए हैं हमारे लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने हैं आज, अच्छे से प्रॉपरली जो है वो शेयर करने हैं। और वही रूम का जो है वो साफ करते हैं, बाहर वॉशिंग मशीन चल रही है, वो भी आपको थोड़ा सा मंजर दिखा दूँ। कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर और कुछ ये बस टेबल पर जो पड़े हुए हैं ये है। और इसके अलावा जी, ओरिफ्लेम से भी मेरे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे, उसकी वीडियो भी मैं लगा दूँगी, ठीक है ना? ओरिफ्लेम से जो मैंने पार्सल्स ऑर्डर किए थे वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। और उसके अलावा हमने रात को जो है पिज़्ज़ा पार्टी की थी जो कि आपको संडे के व्लॉग में शो हो जाएगा, तो मैंने दिखाई थी वो अभी तक हमने खा के बॉक्सेस उठाए नहीं थे रात को, सुबह फिर जाहिर सी बात है उठ के चले गए थे वहाँ पर तो फिर भी नहीं उठा सके। बस अब जो है वो हर चीज़ उठाएँगे। कल वाला देखें, बैग भी मेरा ये पड़ा हुआ है अभी तक, कुछ भी मैं बता रही हूँ हमने सेट नहीं किया था। ब्लैंकेट्स देखें आप, यहाँ पे रात को सारे लड़के लड़के यहीं पे सो गए थे और हम लोग जो है वो उस रूम में सोए थे। लेडीज़ भी तीन थी और लड़के भी तीन थे, जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड, आप ही के हस्बैंड और जो गेस्ट आया है हमारा कज़न तलहा, तीन लोग थे वो यहाँ पे सो गए थे। मैं और मेरी सिस्टर उस रूम में सो गए थे और नानी भी उसी रूम में सोई थी, तो हम लोग तीन तीन जो है वो डिवाइड हो गए थे और वो भी ब्लैंकेट सब कुछ ऐसा खलारा छलारा पड़ा हुआ। अब बस मैं जो हूँ वो खलारी छलारी क्लीन करने लगी हूँ और आप एक साथ भी शेयर करती हूँ। ऑल राइट, अभी जो है वो यहाँ पे मैं गंशन सारा उठा रही हूँ। अयान का बैग था, अयान पढ़ने के लिए आया हुआ था ट्यूशन, आज हमारे साथ ही आ गया था, फिर शाम को पढ़ा दूँगी उसको। और ये आबे जमजम वाला जो पानी था वो मैंने बड़ी बॉटल पे मिक्स कर लिया था, अब मशीन को अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे और देन अगेन जो चीज़ें यहाँ पर रखने वाली हैं यहाँ रखेंगे, जो जहाँ जहाँ की चीज़ें थी वो वहाँ वहाँ रखी है। एंड जो है ना काफ़ी मुश्किल हो गया था मेरे लिए ना, मतलब यकदम से मेहमान आए थे और हम लोग थोड़ा सा ना हेक्टिक हो गए थे, परेशान हो गए थे। और जो है ना नानी थी ना वो ज़रा मतलब जैसे कोई एजड होता है तो वो बंदे को ज़रा हो जाता है ना कि ये सास की जगह पे आ गई है, थर्ड मतलब वैसे वो कुछ नहीं कहती लेकिन खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ये गिफ्ट्स जो थे वो हमारे नानी लेकर आई है हमारे लिए उमरे से, सो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। सो ये है जी वो गिफ्ट्स, ठीक है जी, खजूरें जो कि पता ही आपको जब कोई उमरा करके आते हैं तो एज अ सौगात लेकर आता है वहाँ की, और ये कुछ चूड़ियाँ हैं, दे आर सो ब्यूटिफुल, आई लव इट। और उसके अलावा ये दो कड़े हैं एंड एक ये एक मिनट की चेन है जिसपे ये गुंबद बना हुआ है एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। इसके अलावा एक तस्बीह ये है और एक तस्बीह जो है वो ये है माशाल्लाह, एंड एक टोपी आई है भाई के लिए, भाई शफाक की है ये मैं भाई शफाक लोगों के गिफ्ट दिखा रही हूँ। एंड ये आप ही की जो है वो स्टॉलर है, इसका स्टफ सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड बहुत सॉफ्ट है, ठीक है जी, ये स्टफ़ का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। सो आई लव इट।
सो जी ये आप ही का गिफ्ट हो गया, अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी। सो जी जनाब, दिस इज़ माई गिफ्ट, मेरे मेरे हस्बैंड के ये खजूरें, ये मेरे हस्बैंड की टोपी, और ये हमारी तस्बी, ये मेरा एक कड़ा, ये मेरा एक क्लिप, ये एक पोनी, एंड ये सेम एज इट इज़ जो ये स्टॉलर था वही ये है, बिल्कुल सेम। सो दीज आर द गिफ्ट्स जो हमें मिले हैं नानी की तरफ से। अब मैं बस इनको जो है वो सेट करने जा रही थी, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ जो है वो पहले शेयर कर लूँ और फिर जो है वो सेट कर। सो जी जनाब, जो ओरिफ्लेम से मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वो ये हैं। आई गॉट फेस वॉश फ्रॉम इट, ग्लो एसेंशियल्स का विद विटामिन ई एंड B3 फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। उसके अलावा जी ग्लो एसेंशियल्स का मास्क एंड स्क्रब, आई लव्ड इट आल्सो। ये मैं पर्सनली इसका सोप जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ। फिर मैंने फेस वॉश और स्क्रब मंगवाया है। उसके अलावा हमने मंगवाया है जी एक्टिवेल का ये डिओड्रेंट, ठीक है जी, 72 आवर्स की प्रोटेक्शन के साथ ही आपको जो है वो मिला है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, फ्रूटी फ्रेश सी। देन है इंटीमेट वॉश फेमिनल का, क्रैनबेरी के फ्लेवर के साथ, एक्सट्रैक्ट्स के साथ, प्रीबायोटिक्स प्लस लैक्टिक एसिड, pH बैलेंस, सोप फ्री, बहुत अच्छा है। दो प्रोडक्ट्स और थे, ग्लो एसेंशियल्स का सोप एंड हॉट ऑयल ट्यूब लव नेचर की फॉर हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है वो मेरी सिस्टर की थी तो वो हमने उसको भिजवा दिया। इससे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, फेस आपका हाइड्रेट रहता है, नरिश रहता है, बहुत अच्छा जो है वो फेयर एक टोन लाइट भी कर देता है, स्किन आपकी फेयर हो जाती है ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। एंड ये मास्क एंड स्क्रब है, 2-in-1 काम करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हाइड्रेट करता है, बेस्ट है। सो दीज आर द बेस्ट कॉम्बो। एंड ये जो है इस प्रोडक्ट मेरी सिस्टर के हैं, ये मेरे हैं, और वो दो प्रोडक्ट्स मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके थे। सो दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम ओरिफ्लेम एंड आई लव देम सो मच बिकॉज ये मेरे फेवरेट थे एंड आई वॉन्ट देम फ्रॉम मेनी टाइम्स। मैंने इनको ऑर्डर किया था और लेट भी हो गए थे। अब मैं बस ये सारी चीज़ें सेट करके फिर आप लोगों को मिलती हूँ। अभी गई हमारे घर माल्टे वाली पार्टी होने लगी है, मीन्स कीनू पार्टी यू कैन से। तो अभी जो है वो मैं ये लेके जाने लगी हूँ अंदर, मसाला, नमक एंड माल्टे, कुछ प्लेटें, और कपड़े भी धोपे नहीं है इसलिए आपको पीछे से आवाज़ आ रही है। जी जनाब, अभी मैं छत पर आई हूँ गेस्ट से जो है वो थोड़ी सी साइड लेकर, क्योंकि जी आपको पता है जब गेस्ट घर में हो तो थोड़ा मुश्किल होता है हर काम को एडजस्ट करना। तो बस मैं भी वही सोच के अभी मैं ऊपर आई हूँ, मैंने कहा चले आप लोग के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। वैसे तो मुश्किल होता लेकिन गेस्ट अभी हमारे रहेंगे एंड आई डोंट नो वो लाइट्स किस चीज़ की हैं, और व्यू अगर हम यहाँ से कैप्चर करें तो बहुत अच्छा आता है लुक, है ना। ये देखें जी, ये जो व्यू है ना, इट्स किलिंग, है ना। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा जी आज कपड़े धोए हैं मैंने लेकिन सारे नहीं धो पाए, टाइम ओवर हो गया था। ये देखें जी, ऊपर से गेस्ट हैं घर में तो थोड़ा सा ना टफ हो जाता है मेरे लिए असेंबल करना हर चीज़। इतने सारे धोए हैं कपड़े, उसके अलावा अभी भी कपड़े रहते हैं, सारे नहीं धो सकी, मेरी कमर ने जवाब दे दिया था। और माशाल्लाह से प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम के इतने अच्छे हैं ना यार, मैं जब भी यूज़ करती हूँ मुझे 101% रिजल्ट मिलते हैं। देखिए आप कितना हाइड्रेट है मेरा हाथ, सुपर सॉफ्ट प्लम्प, बड़ा खूबसूरत। और अभी मैंने भाई शफाक की यूनिफॉर्म लेने के लिए आई थी, इन्होंने लाइट लगा लिया। देखें ये देखिए आप अपने घर के अंदर, पर ये मोरे नहीं बंद कर सके, अभी भी गीली है थोड़ी थोड़ी, पर उसके अलावा जी है ना जी फंस गई मैं। और ये शर्ट्स हैं भाई की, और मैंने ये चादर धोई है चारपाई की, और ये टेबल का कवर भी धोया आज। उसके अलावा बहुत सारे कपड़े धोए हैं, और उसके अलावा कुछ रहते हैं वो हम कल धो लेंगे, नहीं तो वन डे आफ्टर यू कैन यू नो आप धो सकते हो। अभी मैं नीचे जाने लगी हूँ एंड आई थॉट कि यार चलो आप लोगों के साथ
भी थोड़ा सा व्लॉग बना लूं, बिकॉज मैं ना व्लॉग्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही, और उसके अलावा रिकॉर्ड तो जो कर नहीं पा रही उसके अलावा मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही, तो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आती है। सभी मैंने सोचा था कि मैं ना रिकॉर्ड करूँगी, और आज हमने घूमा फिरा तो बहुत है, लेकिन अगेन व्लॉग्स नहीं कैप्चर कर सकी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे का मैं जाके व्लॉग का मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी कर लूँ। और यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए बाहर आई थी, और ये भैंसें इन्होंने बाहर बांधी। मुझे भैंसों से इतना डर लगता है, करीब से देखो ऐसी डरावनी लगती है। और ये यहाँ पे नानी ने ब्रेसलेट लिया, क्योंकि मैं बहन की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, दिखा रही थी आप लोग को, बड़ा खूबसूरत सा है एंड गुड लुकिंग। सो जी जनाब, यहाँ पर आप ही जो है बनाना अबू को शबे मिराज के हवाले से थोड़ा सा बता रही थी, और अब मैं इस ब्लॉग को वहीं पे एंड करूँगी। एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया जा सकता है इसको। और हाँ जी, सब्सक्राइब कर दिया करें, इग्नोर मत किया करें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। बहुत मुश्किलों से रिकॉर्ड करती हूँ आजकल, क्योंकि मेहमान है घर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।